Basically 12 type of addressing modes. They are implied or
insistent addressing mode. These are 12 types of addressing modes. Just note it down. मैं बता दूं किस तरीके से हर एक addressing mode operate करता है. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, relative addressing mode के नीचे क्या लिखा है? Sorry? Relative addressing mode के नीचे क्या लिखा है? Indexed. Okay. INDEXED. Yes, online students, done? Yes, ma'am. ठीक है, लिख लिया बच्चे आप सबने भी. Now the first one. जैसे कि मैं कहती हूँ, जीरो इंडेक्स इंस्ट्रक्शन क्या है?
जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में कौन सी इंस्ट्रक्शन थी? पुश, पॉप, यस सर, मैंने लिखा ऐड, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑपरेंड नहीं है, अपने आप बाय डिफॉल्ट काम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड और इंप्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में तो हमने पुश और पॉप ले लिया था, लेकिन यहाँ पर भी हम पुश और पॉप की बात करेंगे। हम यहाँ पर ऐसे ही जो एग्जांपल लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे लाइक ऐड हो गया, सिंपल, ठीक है, या फिर एक प्रोग्राम एक्यूमुलेटर होता है, मैंने आपको एक्यूमुलेटर के बारे में बताया था, दैट इज द बाय डिफॉल्ट रजिस्टर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एक हमारे पास रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, जिसे हम ए सी सी से रिलेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास हमेशा यही रजिस्टर होता है, अगर तुमने कोई काम किया है वो काम इसमें जाके इंक्रीमेंट, सपोज मैंने अगर कोई ऐड किया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लिख रही हूँ ऐड आर वन, तो क्या होगा, R1 की कंटेंट जो है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड हो जाएंगे, और जो रिजल्ट है वो कहां पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। बात समझ लगी है मुझे? सो दैट इज द बाय डिफॉल्ट रजिस्टर, कि अगर हमारे पास कोई रजिस्टर मेंशन नहीं है तो हम कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे, एक्यूमुलेटर। सो द बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस इज, सपोज आई हैव रिटन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शन पास की है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट मतलब, कॉम्प्लीमेंट क्या होता बेटा? मैम माइनस वन, सॉरी, उसकी पावर में माइनस वन, एक्स्ट्रा, यस मैम, यस, इट्स ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन, नॉट, ये क्या करा हुआ ना, मैं कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्यूमुलेटर के जो रिजल्ट्स हैं, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्यूमुलेटर में सपोज ये डेटा पड़ा हुआ है 0101, देन इट विल बिकम 1010 आफ्टर कॉम्प्लीमेंट, ये। सो कोई भी डिफॉल्ट रजिस्टर के ऊपर अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्यूमुलेटर के ऊपर, सॉरी, अगर हम किसी डिफॉल्ट रजिस्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कोई ऑपरेंड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड मोड या फिर इम्प्लिसिट मोड, मीन सिंपली हमने उसे इम्प्लाई कर दिया है, हमने कोई ऑपरेंड नहीं बताया, कोई ऑपरेटर नहीं बताया, सिंपल हम लोग बाय डिफॉल्ट जो रजिस्टर है उस पर काम कर रहे हैं। बात समझ लगी? सेकेंड योर मोड इज, मैम योर कैमरा का कैमरा बंद हो, कैमरा कैसा ऑफ हो गया? अब दिखे? यस मैम, फर्स्ट वाला दिख गया था, इंप्लाइड, इंप्लॉयड, यस मैम, इंप्लाइड वाला था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम, यस मैम, इंप्लाइड वाला पार्ट तो दिखा था ना, तब तो ऑफ नहीं था कैमरा, यस मैम, मैम हो गया वो। डीएसए में पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स में, व्हाट इज स्टैक, वन ऑर मोर डेटा एड्रेसेस गेटिंग टू, ऑन व्हिच रूल स्टैक इज बेस्ड,
इस तरीके से स्टैक ऑफ बुक्स अगर मैंने कलेक्टिवली रखी है तो सबसे पहले जो मैंने बुक रखी थी वो मेरी सबसे बाद में एक्सट्रैक्ट होगी, रिमूव होगी, ठीक है। और इस स्टैक के ऊपर कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हूं, इधर पुश एंड पॉप। पुश मींस इंसर्टिंग एन एलिमेंट एंड पॉप मींस डिलीटिंग एन एलिमेंट। तो अगर स्टैटिक एड्रेसिंग मोड है इट मींस वी विल यूज दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दिस पुश एंड पॉप। सो यू कैन राइट इट डाउन लाइक In stack addressing mode, the operand is contained at the top of the stack. In stack addressing mode, one line explanation is ki likh lo beta. Implied ki kya likhi thi aapne? The instruction will specify the operands implicitly, right? Aur second jo tha stack addressing mode, usme kya hoga? Operand is contained at the top of the stack, right? ओके, अब सपोज इसी स्टैक एड्रेसिंग मोड में एक और इंस्ट्रक्शन है ऐड। अब मैं स्टैक एड्रेसिंग मोड की बात कर रही हूँ, उसमें अगर मैंने ऐड लिखा तो क्या एक्यूमुलेटर में ऐड होगा कुछ? तो ऐड ये सिर्फ मैंने अगर अकेला ऐड ही लिखा है तो क्या हुआ? किसको ऐड करेगा वो? अब यहाँ पर मैंने ये भी नहीं लिखा कि add R1, ठीक है, हाँ, top, top, top में जो value होगी, उसमें क्या add होगा? Any guesses? टॉप वाली एलिमेंट? नो, स्टैक की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि हमने स्टैक एड्रेस की बात की है इसलिए अगर यहाँ पर एलिमेंट्स हैं मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, तब अगर मैंने ऐड ऑपरेशन लिखा है तो ऐड क्या करेगा? पहले दो कंटेंट्स को, पहले दो डेटा को आपस में ऐड कर देगा, ठीक है। द ऑपरेंड्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, द टू ऑपरेंड्स दैट आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक दैट विल ऐड बोथ ऑफ दीस, मतलब 2 + 3 = 5 मिलेगा। ऐसा लग रहा है द टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या स्टोर हो जाएगा? 5 अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? क्योंकि जब हम स्टैक की बात करते हैं हमेशा ये चीज याद रखनी है बच्चे आपने, जब हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक में इंसर्शन भी है, डिलीशन भी है, लेकिन साथ के साथ उसके क्या होता है, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं हर बार उनकी वैल्यू अपडेट की जाती है और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाता है? एट द टॉप ऑफ द स्टैक। हर बार उसके ऊपर कोई ऑपरेशन होगा और हर बार वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? टॉप ऑफ द स्टैक। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज थर्ड एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसमें वन लाइन आंसर लिख लो, द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली, द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली। ये इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली में क्या डिफरेंस है? ये वर्ड्स हम लिख रहे हैं, ये क्या डिफरेंस है बेटा? What is the difference between implicit and explicit? Implicit
गूगल वाले बच्चों आप गूगल करो क्या होता है इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, ये जो मैं बोल रही हूँ उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना आपको. ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली. व्हाट इज दिस मीन इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली, क्या है ये? इम्प्लिसिटली होता है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, कि मैंने डायरेक्टली ऑपरेंड नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली. अब जैसे जो हमारा इम्प्लिसिट मैनर था, जो फर्स्ट मोड था हमारा इम्प्लिसिट मोड, उसमें स्पेसिफाई तो कुछ किया ही नहीं कि किससे कॉम्प्लीमेंट करें. बाय डिफॉल्ट उसने उठा लिया कि मेरा ऑपरेंड जो होगा वो एक्यूमुलेटर होगा, ठीक है. मैंने ऑपरेशन दिया उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, किसे कॉम्प्लीमेंट करेगा? अपने आप वो डेटा उठा रहा है, अपने आप बाय डिफॉल्ट वो ऑपरेंड को ले रहा है. तो हम लोग यहाँ पर बात हमेशा ऑपरेंड की कर रहे हैं. अब ये चीज आपको पता चली है, हम बात ऑपरेंड की कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेंड डिक्लेयर हो रहा है. इम्प्लिसिटली मतलब कि मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में ऑपरेंड को मैं कॉल कर दिया. एक्सप्लिसिटली मतलब अगर मैं साथ में लिख दूं कि कॉम्प्लीमेंट करे आर वन को, इस मींस मैं डायरेक्टली उसे पास कर रही हूँ एलिमेंट को कि इसको ही कॉम्प्लीमेंट करना है, अपने तरफ से नहीं कुछ भी डेटा उठाना, ठीक है. सो दिस इज माय डायरेक्ट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज माय इनडायरेक्ट वे ऑफ राइटिंग. सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एंड दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट. अब बात समझ में आई कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिटली मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है. So in immediate addressing mode, the operand is fetched or the operand is specified explicitly, right? अब इसकी example, बताओ. अगर explicitly operand को specify कर रहे हैं, it means operand B है और operator B है, opcode B है. तो मेरे पास ऑपकोड भी है और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आर वन लिया. मैंने दो ऑपरेंड्स नहीं स्पेसिफाई किए, मैंने सिर्फ एक ऑपरेंड स्पेसिफाई किया और वो अपने आप लेगा कि जो नेक्स्ट ऑपरेंड है वो मेरा बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड इमीडिएट addressing mode where the operand is specified explicitly, means you are writing the operand with the opcode, right. Clear hai bachcho? Next ek aur example batati hu, like it is written move ash 20 comma r. Move R comma hash 20. It means जहाँ पर भी hash symbol होगा, it means हम लोग किसी register को initialize कर रहे हैं, किसी register में value pass कर रहे हैं, ठीक है. अगर मैंने hash लिखा है, it means ये content है, ये data है 20. अगर मैंने ये operation perform करना है तो 20 पे मैं 20 will be counted as data, not any register, not any memory location. क्यों? मैंने इसके साथ hash symbol लगा दिया. तो move r comma hash 20 means r में आप value 20 initialize करते हो. initialize means पहली value, means r जो है r register start कहाँ से हो रहा है, कौन सी value से start हो रहा है, 20 से. It is not the memory location, it is the actual data, it is the actual content. जहाँ भी मैं word बोलूँ content, जहाँ भी मैं word बोलूँ data, one and the same thing, right? But location is different. Location word अलग है. क्योंकि मैंने hash 20 लिखा है, तो hash 20 means उसका data. 20 को हमने initialize कर दिया, मतलब जो R में सबसे पहली value क्या है R register में 20, right? Next. ये था इमीडिएट. नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड.
बेटा इसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट और एब्सोल्यूट, व्हाट इज इट। राइट, इसकी वन लाइन डेफिनेशन लिखो। द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। The address field of the instruction contains the effective address of the operand. For example, लिखिए अब चाहिए लाइन लिखिए सबने, अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। ये ऑपकोड है हमारे पास, ऑपकोड जो भी ऑपरेशन हम यूज करेंगे, ये this A is not a register, this is actually the address, memory address. किसका memory address? Operand का memory address. कि वो operand कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? तो line मैंने क्या बोली थी? क्या line लिखी है आपने? Yes, the address field of the instruction contains the effective address. Contains the effective address of the operand. इसका मतलब यहाँ पर हम directly operand को pass नहीं करते, यहाँ पर हम उससे उसके address को pass करते हैं, ठीक है? For example, अगर मैं लिखती हूँ add x, it means I want to add into the accumulator the contents which are stored at memory location x. Towards the memory address of that register. Got it? So this is about direct addressing mode. Next is indirect address.
जल्दी से बनाओ आइटम। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, लेकिन इसकी लाइन लिखो सबसे पहले, इसके डेफिनेशन। द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन that contains the effective address of the operand, specifies the address of memory location that contains the effective address, that contains the effective address of the operand. लिख लिया बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? यस मैम। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। अब वो डायरेक्ट था, मींस वो डायरेक्टली हमें बता रहा है कि ये वाला मेमोरी लोकेशन पे ऑपरेंड बड़ा होगा, यहां से उठाओ ऑपरेंड और उसको एक्युमुलेटर के साथ ऐड कर दो। लेकिन हमें यहां पर वही ऑपरेशन में चलाना है, ऐड एक्स, ठीक है? तो क्या कहते हैं, इट इज it specify the address of memory location that contains the effective address of the operand. It means wo wali address ko point out karega jo ki us operand ko point out kar raha hai, theek hai? Jaise agar maine likha add x, it means now the accumulator will be added to the contents of memory location x. With the contents of memory location x, तो ये काम का डायरेक्ट का accumulator के भी added to the contents of memory location x. लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये location जो दूसरी location को point out कर रही है वहाँ पर operand बड़ा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर double brackets लगाएंगे, little confusing, ठीक है? देखो अपना answer. अगर मैंने ये बताया कि ये मेरा जो address था वो 001 002 003 004 005 006, ठीक है? तो इस इफेक्टिव यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन में जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है, ये एक ही वैल्यू है, मेरी एक ही वैल्यू है, वो मेमोरी एड्रेस जहां पर मेरा ऑपरेंड बड़ा हुआ है, इट मींस ये डेटा यहाँ पर स्टोर है 005. तो 005 वाली मेमोरी लोकेशन को देख लेगा और वहां पर जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है, लाइक 3 पड़ा हुआ है, तो उससे उठाएगा, ठीक है? मैंने आपको डायरेक्टली कहने से कहने के बजाय मैंने ये कह दिया कि तुम मेरी बात इसको बोल दो, मैं डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर रही, राइट? मैं इनडायरेक्ट वे में किसी बच्चे को पॉइंट आउट कर रही हूँ, बात समझ लगी? इसीलिए इसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला जाता है. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब किसी मेमोरी लोकेशन में कोई मेमोरी लोकेशन का ही डेटा पड़ा हुआ है, मतलब एक मेमोरी में एक और मेमोरी का नंबर पड़ा हुआ है, उस मेमोरी नंबर को आप एक्सेस करो डेटा लेने के लिए. मतलब एक फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी होने के बजाय हम एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना रहे हैं और फिर किसी फाइल को उसमें से एक्सेस कर रहे हैं, making a subfolder of that. ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ ये चीज? सो दिस इज योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में? मैम ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे देन. काफी है, सारे एड्रेसिंग मोड्स करा दिए ना, कंफ्यूज हो जाओगे एक ही बारी में. Any doubt till now?